Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है और उनका अपना महत्व है। आपने गौर किया होगा कि देवी देवता के पास कोई ना कोई वाद्य यंत्र और अस्त्र शस्त्र हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो भगवान शिव के पास डमरू, माता सरस्वती जी के पास वीणा, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी अत्यंत प्रिय है, जिसे वह हमेशा अपने पास रखते हैं। जब भी उनका मन होता था वो सुरली बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते थे। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को यह बांसुरी किसने दी और वह इन्हें इतने लोकप्रिय के हैं। मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि समय समय पर कई भगवान ने जरूरत के हिसाब से पृथ्वी पर दोबारा जन्म लिया था, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग में पृथ्वी पर जन्म लिया था तो सभी देवी देवता रूप बदल बदल कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। इसी कड़ी में भगवान शिव को भी अपने लोकप्रिय भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। तभी उनके मन में ख्याल आया, वह श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए उपहार में क्या लिया जाए जो उन्हें पसंद भी आए और उनका प्रिय भी बन जाए, जिसे वह हमेशा अपने पास रखे। तभी भगवान शिव को याद आता है कि उनके पास दधीची ऋषि की महाशक्तिशाली हड्डियाँ रखी है। कहा जाता है कि ऋषि दधीची ने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग किया था और अपने महाशक्तिशाली शरीर की सारी हड्डियों को दान में दे दिया था। यही वह हड्डियाँ थी जिनके द्वारा भगवान विश्वकर्मा ने तीन धनुष का निर्माण किया, पहला पिनाक, दूसरा गांडीव और तीसरा शारंग। इसके अलावा उन्होंने देवराज इंद्र के लिए भी ब्रज बनाया था। भगवान शिव ने उन हड्डियों को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव श्री कृष्ण से मिलने धरती पर आए तो उन्होंने उस बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को उपहार में दे दी थी, आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण हमेशा उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। यह बांसुरी भगवान शिव ने उन्हें दी थी, इसलिए उनकी प्रिय हो गई। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.